गुरुदास कामत जी, अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, चंद्रेश कुमारी जी, बद्री झाकर जी, सैयद अंसारी जी, सागर रायका जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ ही दिनों में यहाँ पे चुनाव होने वाला है और आपके सामने दो विचारधाराओं की टक्कर है। जब विकास की बात होती है तो बीजेपी के लोग सड़क की बात, रेलवे लाइन की बात, एयरपोर्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी मनरेगा जैसा काम करती है मगर जो विकास का काम होता है, सड़क का काम होता है, रेलवे लाइन का काम होता है, कांग्रेस पार्टी कम करती है। मैं दो आंकड़े आपको देना चाहता हूं। सड़कों के बारे में उनकी बहुत अच्छी मार्केटिंग है, सब जगह जाके कहते हैं भैया एनडीए के समय सड़कें बनी थी। तो कुछ दिनों पहले मैंने सरफेस ट्रांसपोर्ट रोडवेज की जो मिनिस्ट्री है उनसे पूछा, भाई सच्चाई क्या है, एनडीए के समय कितनी सड़कें बनी और यूपीए के समय कितनी सड़कें बने, आप मुझे बताओ, आंकड़ा दिखाओ। जब आंकड़ा निकला, जितनी सड़कें उन्होंने 5 साल में बनाई उससे 3 गुना सड़कें हमने ज्यादा बनाई 5 साल में। बिजली की बात करता हूं, हिंदुस्तान की नहीं राजस्थान की। अभी अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि उनकी नेता जो हैं वो बिजली की बात करती हैं। जब उनकी सरकार थी 1500 मेगावाट बिजली पैदा की गई राजस्थान में और पिछले 5 सालों में गहलोत जी जो काम ज्यादा करते हैं बात कम करते हैं। उन्होंने 7000 मेगावाट बिजली तैयार करके दिखा दी। अब उनकी नेता कहती है भैया मैं 24 घंटे बिजली दिलवाऊंगी। वो इसलिए दिलवा पाएगी अगर कि हमने बिजली बनवाई, हमने काम किया, और वो सोचते हैं कि भाई अब मैं आके भाषण दे देती हूं, कहती हूं कि 24 घंटे बिजली मैं दूंगी। 24 घंटे भैया हम देने वाले हैं, हम दे रहे हैं 24 घंटा बिजली। रोजगार की बात करता हूं, बाड़मेर में रिफाइनरी बनाई, 2 लाख युवाओं को आने वाले समय में रोजगार मिलेगा, 2 लाख युवाओं को। और सिर्फ ये नहीं, 20,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को मिलेगा उस रिफाइनरी से हर साल। जयपुर में मेट्रो बना दी, दिल्ली में मेट्रो बना दिया, अब यहां जोधपुर में मेट्रो बनने वाली है। तो जब सड़कों की बात होती है, बिजली की बात होती है, पानी की बात होती है, रोजगार की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी आगे होती है। आंकड़े दिखाते हैं मगर हम वहां नहीं रुकते, हम उससे आगे जाना चाहते हैं। और यहां दो पार्टियों में सबसे बड़ी सोच में फर्क है। हमारी सोच है कि सिर्फ सड़क से, सिर्फ एयरपोर्ट से, सिर्फ रेलवे लाइन से जो गरीब आदमी है वो गरीबी से नहीं निकल सकता है। हमारा कहना है कि गरीब के सामने एक दीवार खड़ी है, किसान के सामने एक दीवार खड़ी है और उस दीवार को तोड़ने का काम
सरकार को करना पड़ता है। यह हमारी सोच है और उनकी सोच है कि भाई अगर गरीब के सामने दीवार है, हम सड़क बना देंगे, हम एयरपोर्ट बना देंगे, मगर वो जो दीवार है वो गरीब को अपने आप तोड़नी है। यह बीजेपी की सोच है और वो सोचते हैं कि गरीब व्यक्ति उस दीवार को अपने सिर से जाकर तोड़े, मार मार के अपने सिर से दीवार को तोड़े। और हम कहते हैं कि अगर हम यहां खड़े हैं, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो उस दीवार को तोड़ना हमारा काम है, आपके साथ मिलकर वो काम हमारा है। यह फर्क है हमने और उनमें, और इसीलिए हम आपको रोजगार योजना देते हैं, इसीलिए हम इन महिलाओं के लिए राजस्थान में प्रोग्राम बनाते हैं, इसीलिए हमने जननी सुरक्षा योजना दी इनको, इसीलिए हर गरीब व्यक्ति को हमने 100 दिन रोजगार मुफ्त में दिया, और इसीलिए हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं और हर गरीब व्यक्ति को हम भोजन देने वाले हैं और यहां मुफ्त में भोजन देने वाले हैं। देखिए, भाषण देना आसान होता है। राजस्थान में पिछले 5 साल में क्या क्या गहलोत जी ने किया, मुफ्त में आपको दवाई मिलती है? मिलती है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। अब देखो बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं कि दवाई जहर है। अब इनकी नेता कह रहे हैं कि दवाई जहर है। जिस दवाई से लाखों गरीबों को फायदा हो रहा है, मजदूरों से मैं बात करता हूं, मजदूर मुझे बताते हैं, देखो राहुल जी, हम रोज काम करते हैं, 2-3 दिन काम करने के बाद बुखार आ जाता है, जो पैसा हमारा बनता है वो दवाइयों में चला जाता है। गहलोत जी ने इस बात को बदल दिया, मुफ्त में अब दवाई दी, गरीबों को दवाई दी, किसानों को दवाई दी। जाइए मध्य प्रदेश, जाइए जहां इनकी सरकार चलती है, बाकी प्रदेशों में ये जाते हैं कहते हैं भैया भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार चलती है, वहां जो हमारे प्रोग्राम है उनको देखते हैं। भ्रष्टाचार में वर्ल्ड चैंपियन है वो दोनों सरकार, वर्ल्ड चैंपियन है। एक दूसरे से कंपटीशन होता है उनका, भैया कौन ज्यादा चुराएगा, कभी छत्तीसगढ़ आगे निकल जाता है, कभी मध्य प्रदेश आगे निकल जाता है। यहां पे कहते हैं भैया दवाई जहर, अगर दवाई में मार्केटिंग नहीं है, अगर दवाई में अच्छी पन्नी नहीं है, अगर दवाई से बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा नहीं बन रहा है, अगर दवाई से गरीब व्यक्ति का फायदा हो रहा है तो वो दवाई जहर। यहां पे कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी की सरकार चलाई और दिल्ली में भी हमने ये काम किया, कर्जा माफ किया, हजारों किसानों का कर्जा माफ किया, सूचना का अधिकार दिया आपको। पहले क्या होता था, जो भी ब्यूरोक्रेट करना चाहता था, जो भी अफसर करना चाहता था कर देता था। आज हिंदुस्तान का हर युवा, ये जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, सब लोग अपने सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकता है। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी, किसी ने आरटीआई लिख दिया, भैया हम जानना चाहते हैं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से क्या कहा, और चिट्ठी बाहर आ गई। हम शक्ति आपको देना चाहते हैं, इन महिलाओं को देना चाहते हैं, प्रधानों को, सरपंचों को देना चाहते हैं, और ये क्या चाहते हैं कि चुने हुए लोगों की सरकार चले। और इस सरकार में गरीबों की आवाज ना आए, किसानों की आवाज ना आए,
महिलाओं की आवाज ना आए, सिर्फ बड़े लोगों की आवाज आए और किसान ऊपर की ओर देखे, हवाई जहाजों की ओर देखे और अपने आप से पूछे, भाई मेरा बेटा इस हवाई जहाज में किस साल में जाएगा, कब जाएगा। ऐसी सरकार चाहते हैं ये लोग? हम ऐसी सरकार नहीं चाहते। हम आपकी सरकार चाहते हैं, आम आदमी की सरकार चाहते हैं, गरीबों की सरकार चाहते हैं। हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जहां जनता में शक्ति हो, जो आप अपनी सवाल, जो भी सवाल आप पूछना चाहें आप पूछ पाएं, जो योजनाएं आप चाहें आपको मिले, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। और जहां विकास की बात होती है, शिक्षा को देखो आप, कितने शिक्षा के उद्योग यहां हमने खोले जोधपुर में। मैं लिस्ट पढ़ के आपको बताता हूं कहां गए। देखो, IIT जोधपुर, निफ्ट जोधपुर, पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर, एम्स, ये सब संस्थाएं हमने यहां भेजी। अब भाषण देना बहुत आसान होता है, चुनाव से 10 दिन पहले यहां आकर भैया दवाई जहर है, हम ये कर देंगे, बिजली दे देंगे, वो कर देंगे। काम किया है गहलोत जी ने, काम किया है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पसीना दिया है आपको। अब आपके सामने चुनाव है। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए राजस्थान में भाईचारा है, सबके बीच में भाईचारा है, प्यार है, धर्मों के बीच में भाईचारा है। हम सबकी सरकार चलाते हैं, गरीबों की, युवाओं की, हर धर्म की, हर जात की। हम जनता को बांटते नहीं हैं, हम लड़ाई नहीं कराते जनता के बीच में। हमारे विपक्ष की जो पार्टी है किसी एक धर्म की दूसरे धर्म से लड़ाई करेगी। महाराष्ट्र में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाएंगे, कर्नाटका में कुछ और बात करेंगे। ऐसी सरकार हम नहीं चलाते। हम सबको ले चल, एक साथ ले चल के राजस्थान में भाईचारे की सरकार, विकास की सरकार लाएंगे। खासतौर से जो हमारे वर्कर हैं यहाँ पे, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप जाओ पोलिंग बूथ में जाओ, और ये जो महिलाएं आई हैं, आप जाओ कांग्रेस पार्टी को जिताओ, हाथ के निशान को जिताओ, प्रगति की सरकार लाओ, आम आदमी की सरकार लाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।